हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये रहा हमारा नया प्रोडक्ट। दोस्तों, ये एक छोटा सा पोर्टेबल मिस्ट स्प्रेयर है और इसके क्या क्या यूजेज हैं ये हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बॉक्स को देख लेते हैं। सामने की तरफ मिस्ट स्प्रेयर बना हुआ है, राइट साइड में इसकी स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं। इसकी टैंक कैपेसिटी 30 ml की है। इसे स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं और ये डिवाइस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसके राइट साइड में देखें तो इस मिस्ट स्प्रेयर के बेनिफिट्स, मॉडल नेम, अमाउंट ऑफ स्प्रे एंड पैकेजिंग की लिस्ट दी हुई है। इसके नीचे प्रोडक्ट के फिजिकल पार्ट को स्पेसिफाई किया गया है और इसके राइट साइड में देखें तो इस प्रोडक्ट को यूज करने की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो चलिए बॉक्स को ओपन करके अपने प्रोडक्ट को देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा मिस्ट स्प्रेयर। ये बहुत छोटा सा मिस्ट स्प्रेयर है और काफी हैंडी और पोर्टेबल है। इसका शेप सिलिंड्रिकल है। इसका ऊपर का हिस्सा ट्रांसपेरेंट है और प्लास्टिक का बना हुआ है। नीचे का हिस्सा वाइट है। सामने स्प्रे नोजल दी हुई है और इसके नीचे सिंगल ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। बटन को एक बार प्रेस करने पर यह ऑन हो जाएगा और फिर दोबारा प्रेस करने पर ही ऑफ होगा। सबसे नीचे यूएसबी बी टाइप पोर्ट दिया हुआ है जहां से इसको चार्ज किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसे चार्ज कर लेते हैं। चार्जिंग पे लगाने पर इसमें एक रेड लाइट ऑन हो जाएगी और फुल चार्ज होने पर रेड लाइट बंद हो जाएगी। मैक्सिमम चार्जिंग टाइम 3 आवर्स है जैसा कि बॉक्स पे लिखा हुआ है, पर दोस्तों ये आधे घंटे में ही चार्ज हो जाता है और 20 मिनट कंटिन्यूसली यूज करने पर बैटरी खत्म भी हो जाती है। इसका मतलब बैटरी की कैपेसिटी भी बहुत कम है, लेकिन दोस्तों इसको चार्जिंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसके टैंक में पानी डालकर चेक करते हैं कि कैसा वर्क करता है। इसका टैंक बिल्कुल ठीक तरीके से बंद हो जाता है और पानी लीक नहीं करता है, चाहे जिस डायरेक्शन में भी इसे रखो। और अब इसे ऑन करते हैं। ऑन करने पर इसमें ब्लू लाइट जलेगी एंड यस, ये सही तरीके से काम कर रहा है और देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इसका आउटपुट इसके साइज के हिसाब से काफी अच्छा है और ये वाटर को फॉग की तरह कन्वर्ट कर रहा है। इसका बेसिक यूज फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए है और इसमें लिक्विड सैनिटाइजर भर के अपने गैजेट्स को सैनिटाइज भी किया जा सकता है। लेकिन मैं इसे एज अ ह्यूमिडिफायर और रूम फ्रेशनर की तरह यूज करूंगा। इसे आप अपने रूम में या अपनी कार में भी यूज कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर के लिए इसमें बस पानी डालना है और रूम फ्रेशनर के लिए इसमें पानी के साथ थोड़ा सा परफ्यूम ऐड करना है। मैं इसमें कार का लिक्विड बेस परफ्यूम यूज कर रहा हूं। दोस्तों, ध्यान रहे कि इसके टैंक में पानी फुल करके परफ्यूम की एक दो स्प्रे ही ऐड करनी है, नहीं तो इसका पीजो इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म खराब हो सकता है। और दोस्तों, अब ये रेडी है और ये ह्यूमिडिफायर और रूम फ्रेशनर दोनों का काम करेगा। क्योंकि कार का केबिन साइज रूम के कंपैरिजन में छोटा होता है, इसलिए इसका इंस्टेंट इफेक्ट हमें कार में ही देखने को मिलता है। रूम में भी इसका रिस्पांस अच्छा है। अगर इस प्रोडक्ट के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसका बैटरी बैकअप, जो 20 से 30 मिनट का ही है।
ये प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन पे 150 से 250 के बीच में मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, अमेज़ॉन पे इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ उतने अच्छे नहीं हैं और रिटर्न रिप्लेस पॉलिसी भी नहीं है। दोस्तों, मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट और एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। दोस्तों, मुझे ये डिवाइस काफ़ी पसंद आया एंड आई होप इट विल लास्ट लॉन्ग। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।